ओपनली कह सकते हैं, ओपनली आई लव सिख मॉम। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आजकल अभी पाकिस्तान में वायरल है। वो भारत को आंख दिखाते थे, आटे के लिए भटक रहे हैं। तो क्या उधर आपको कोई मुश्किल हो देखने को मिली कि यार पाकिस्तानी आया? मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितनी मोहब्बत थी, एक माँ छोड़ के जा रहा हूँ यार। काफी अच्छा लगा जब when we landed in Delhi and attitude काफी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ का गांव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मल्टी कल्चर लैंड है, वो बिल्कुल बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊँ, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस। बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान को भी होना चाहिए। जब पाकिस्तानी इंडिया आया, जी हाँ दोस्तों, एक पाकिस्तानी भाई, एक नहीं दो पाकिस्तानी भाई। हमेशा पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि इंडिया में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। जब वो भाई होटल आया तो उसको हिंदू ने चादर दिया, बोला कि यहाँ पर आप नमाज अदा कर सकते हैं इस चादर पे। इस वीडियो में एक भाई और कहा, वो भाई भी बहुत साल पहले यहाँ पर आए थे, वो एक सिख के घर में रहे थे। वो जो सिख लेडी थी जिन्होंने उनको अपने घर में रखा था, आज वो भाई वहाँ से भी माँ कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक माँ मेरी यहाँ है, एक माँ इंडिया में। तो नमस्कार, आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आजकल अभी पाकिस्तान में वायरल है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने गारंटी दी थी कि भारत को मैली आंख दिखाने वालों को ऐसा सबक सिखाऊंगा, और आज वही होता नजर आ रहा है कि भारत को मैली आंख दिखाने वाले आटे के लिए भटक रहे हैं। वो भारत को आंख दिखाते थे, अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। पाकिस्तानी से आज मिलवाएंगे जिन्होंने इंडिया का विजिट किया, और वो कहते हैं कि मेरी माँ इंडिया में भारत में मौजूद है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस टाइम आटे का बुहरान नजर आ रहा है, मतलब कीमतों में इजाफा है या नहीं? बेशक भाई जान, इसमें कोई शक नहीं। आप कहीं निकल जाए, थोड़ा सा दूर हो जाए, हर गरीब बंदा रो रहा है, पेट्रोल के लिए रो रहा है, आटे के लिए रो रहा है। इतनी महंगाई हो गई है कि आज गरीब जमीन से जमीन तक दब रहा है। उसे बताएं, आपने बोला पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है, बिल्कुल भी हम दूसरे कंट्री, चाहे अमेरिका हो या दुनिया का कोई कंट्री हो, उसके आर्डर के बगैर क्यों नहीं कोई काम कर पाते, क्या वजह? सर मुझे लगता है कि अभी हम अभी तक गुलाम है। अच्छा जी, किसके? अंग्रेज के। ये आपकी कल्टस गाड़ी है, टूटी है आज भी, क्या आज भी क्या कीमत है इसकी? भाई जान जो भी कीमत है, लेकिन मेरे ख्याल से महंगाई हो गई है, ये कुछ भी इसकी कीमत नहीं है। जिसको अगर होना चाहिए था तो हाँ। पाकिस्तान में 4-5-6 लाख की हो, किसी गरीब के में हाथ में। लेकिन आज ये कीमत इसकी कम अज कम 40 लाख है। 40 लाख कीमत है कल्टस की। तो ये मैंने खरीदी हुई है, आपको सच बताऊं, हाँ। ये मैंने 10 लाख में खरीदी थी, ठीक है। आज भी मेरे पास है, मेरी शहजादी। वरना लेने जाऊंगा तो 40 लाख पहले लेंगे, बाद में गाड़ी देंगे। दुनिया के दूसरे कंट्रीज जो आगे चले गए हैं, यही ऐसी गाड़ियां वहां पे, अगर इंडिया की बात करें, 4-5 लाख 6 लाख की इस तरीके से मिल रही हैं, उसकी क्या रीजन है? आप एज इंजीनियर क्या कहना चाहेंगे, मतलब वो लोग कैसे टेक्नोलॉजी में आगे चले गए? वो टेक्नोलॉजी में ऐसे गए हैं कि उन्होंने अपनी आवाम का जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो उनमें डिवाइड भी कर रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं। किसी गाड़ी का काम है उसको वहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं कि यार गाड़ी की कीमत नीचे करो, हाँ। तेल वाले को अप्रोच कर रहे हैं तेल नीचे करो, ज़राअत वाले को अप्रोच कर रहे हैं सब्जी नीचे करो, ताकि गरीब बंदा खाए कमाए, इंडिया चले जाओ, ठीक है। आपको 4 लाख रुपए की अच्छी गाड़ी मिलेगी, मिल जाती है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अच्छी मेहनत कर रहे हो, हाँ। अपना आपने 6 साल या 5 साल मेहनत की है, ठीक है, आप एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छे फ्लैट ले लोगे, ऐसे ही अपनी फैमिली को कम अज कम आप अपनी फैमिली को कवर कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने भाई जान 76 साल से नफरतें पालनी है लेबर से, हम कहते हैं कि भाई वो हमारा दुश्मन है, वो हिंदू है। बिल्कुल, आप नेबर कह रहे हैं, देखें नफरत कुछ नहीं, मैं खुद गया था आज से अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल पहले इंडिया। किस सिलसिले में? विजिट करने आया क्रिकेट टीम की, मुझे वीजा मिला, ठीक है, मैच देखने। लिटरली मैंने वहाँ, मुझे 10 दिन का वीजा था, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैंने 4 घंटे का मैच देखा। अच्छा, उसके बाद 10 दिन मैंने वहाँ एंजॉय किया। तो क्या उधर आपको कोई मुश्किल देखने को मिली कि यार पाकिस्तानी आया? यार मुझे सिख अंकल और सिख आंटी आई है, उन्होंने कहा है बेटा आप हमारे घर रहोगे। ओह अच्छा, जितने आप होटल में जाओगे, मेरा जो वहाँ पे कंसल्टेंट था मेरा, हाँ, जिसके थ्रू आप गए थे, यस, उसने मुझे, मैंने उससे पूछा यार मैं क्या करूँ डिसाइड, हाँ। मेरे लिए कहता आप जो मर्जी डिसाइड करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहा फेयर एंड गुड, तो फिर मैं अपनी माँ के साथ जाऊँगा। हाँ, अच्छा, हिंदुस्तानी जबरदस्त, बहुत ही
सिख फैमिली, ठीक है। और फिर मैंने उनको यही कहा मैं अपनी माँ के घर ही जाके जबरदस्त हो गया। और जब मैं उनके घर गया हूँ लिटरली ऐसे लगा मैं अपनी माँ के घर आया हूँ, ऐसे ही है। मैं मुझे लिटरली उन्होंने अपने घर में रखा 7 दिन वहाँ पर बो, और मैं खाना खाता अपनी माँ के जब आया हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितनी मोहब्बत दी है, एक माँ छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ। ये देखें जब लोग यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ आते हैं या आते थे तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती थी। जितने भी पाकिस्तानियों को मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि जितने भी पाकिस्तानियों से ये पूछा है अगर कोई इंडिया का विजिट करके आया, 95% 96% लोगों ने यही बोला कि हमें तो मोहब्बत ही मिली है, मोहब्बत ही मिली है। लेकिन हमारे मीडिया में ये बता दिया जाता है हिंदू बड़ी नफरत करता है सिख। आई लव यू, मेरी माँ है दूसरी वहाँ पे, मैं वहाँ कह के आऊँ आज भी कह रहा हूँ हिंदुस्तान में ओपनली आई लव सिख मॉम। आज भी अगर देख रही है मेरी माँ तुझे सलाम है इंडिया चंडीगढ़ में। जबरदस्त हो गया बड़ी। आज के प्रोग्राम में हमें मोमिन यजदानी ने ज्वाइन किया है जो अपनी फैमिली के साथ इंडिया का विजिट करके आए हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप कब अपनी फैमिली के साथ इंडिया की विजिट पर गए, कितने दिनों का ये विजिट था और पर्पस क्या था? मैं मेरी वाइफ हम लोग का विजिट का प्लान बना था क्योंकि मेरी वाइफ के मतलब कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ पे इंडिया में शेरकोट में ना उत्तर प्रदेश में, तो हमारा प्लान बना था कि हम लोग जाते हैं वहाँ पे विजिट करते हैं। तो हमारा पर्पस था बस विजिट करने के लिए। तो 2018 हम लोग ने अप्लाई किया था फॉर टूरिस्ट वीज़ा, जो कि हमारे टूरिस्ट वीज़ा तो अलाउ नहीं किया तो उन्होंने विजिट वीज़ा दिया था जो कि हमें अलॉट हुआ था कि 3 मंथ्स के लिए। तो मगर हमने मत वहाँ पे 15 डेज का स्टे किया था, नॉट मोर देन दैट, लाइक नॉट इवन 15 डेज, 13 डेज थे। सो इट वाज फ्रॉम कराची टू दिल्ली एंड दिल्ली टू उत्तर प्रदेश, तो इस तरह से हमारा टूर था। तो कैसा रहा ये आपका ये एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा लगा जब व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली एंड पीपल न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और काफ़ी अच्छा था मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हैरेस कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। माय गॉड डेवलपमेंट इज़ लाइक टू मच, मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज़ मोर लाइक आवर कराची राइट नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस एंड वहाँ पे लोगों का असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त है, मल्टी कल्चर लैंड है वो बिल्कुल। वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग इन एवरी लैंग्वेज इन विथ एवरी रिलीजन, तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे, मतलब पीपल आर मिक्सचर ओवर देयर, कल्चर इज मिक्सड ओवर देयर एंड यू विल फाइंड लाइक फन एंड पीस ओवर देयर। लाइक आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना, किसी किस्म का परेशानी नहीं होना कि आप कौन हो, क्या हो और आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या हो रहे हो, मतलब पीपल आर लाइक इन्जॉइंग द लाइफ। मैं आपको बताऊँ मेंटल लेवल पे भी लेके जाएं क्योंकि यहाँ पे 5% भी नहीं है, और एजुकेशन लेवल, हाँ एजुकेशन लेवल मैं आपको बताऊँ, दे आर सो मच लिटरेट कि एवरी सेकेंड पर्सन इन द होटल दे वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड दे अंडरस्टूड वॉट वी आर टॉकिंग। उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जानमाज वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ वाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल, तो हमने फिर नमाज अदा की। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं आपको बताऊँ कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। वहाँ की गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई है, आपको पता है जिस टाइम हम गए हुए थे उस टाइम गवर्नमेंट ने 600 हाउसेज फॉर ओनली फॉर द मुस्लिम इन गुजरात, क्योंकि गुजरात आ रहा था नियर बाई था तो वहाँ पे किया हुआ था। और मैं आपको बताऊँ कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टीकल्चरल लैंड है ना, उनको देखिए सबका मजहब अपने पास है, सब ने अपना जवाब खुद देना है, सीधी बात है ना, मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं देना ना माँ बाप ने मेरा देना, मेरा रिलीजन मेरे पास है उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं, बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है उसी तरह पाकिस्तान को भी होना चाहिए। वो भाई बताए कि जब वो दिल्ली उतरे फ्लाइट से लैंड किया उनको कितना प्यार मोहब्बत मिला। भाई ये भी बताए वही पाकिस्तान में कितना पाबंदी है, बोलने पे पाबंदी है, कपड़ा पहनने पे पाबंदी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात मुस्लिमों का तो आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ एक उर्फी जावेद है वो कैसा कैसा कपड़ा पहनती है, और आपने एक और भाई के देखा वो भाई इमोशनल हो गए बोलते बोलते, इंडिया में जो लेडीज उनको अपने घर में रखी थी आज उनको वहां से भी माँ कह रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, उस माँ को
धन्यवाद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो ऐसा प्यार वाले हम लोग हैं, ऐसा प्यार मिलता है इंडिया से। दोस्तों इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और कोई वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी टाइप का एक न्यू वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।